हेलो एवरी वन एंड वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा तो गाइज दिस इज थर्ड शॉर्ट लेक्चर फॉर सोशल प्रोटेक्शन वेलफेयर स्कीम्स अभी तक दो डिस्कस कर चुके हैं सारी देखनी है तभी फायदा होगा एक आदि देख करके अगर छोड़ने वाले हो अगर मजा नहीं आया या ऐसा लगा कि सर बेकार पढ़ा है तो, तो छोड़ ही देना अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है कंटेंट ठीक मिल रहा है समझ में भी आ रहा है तो सारी देखना तभी पेपर के अंदर फायदा होगा इस लेक्चर के अंदर जो स्कीम हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एम जे जे बी वाई तो इसको हम तो डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स इसके अंदर सेम है लेकिन अलग अलग करने जरूरी है ताकि एक डिस्टिंक्शन बनी रहे माइंड में जितनी ज्यादा सिमिलैरिटी होती है ना स्कीम्स के अंदर या प्रोग्राम्स के अंदर उतने ज्यादा वो पेपर के अंदर अल्टीमेटली कंफ्यूज करते हैं ठीक है तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना को फटाफट से समझ लेते हैं तो स्कीम बेसिकली है किसके लिए एज ग्रुप ऑफ एटीन टू फिफ्टी अगर आपको याद हो जो हमने नेशनल पेंशन स्कीम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड देखी थी उसमें 18 टू फोर्टी थी ठीक है उसके अलावा जो हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए जो पेंशन स्कीम देखी थी उसके अंदर भी जो एज थी वो 18 to 40 थी वो टू अब ये इसके अंदर एक डिफरेंस आ जाता है ठीक है, वो 18 to 50 का है बैंक अकाउंट होना चाहिए और वॉलेंट्री स्कीम है आप अगर इसको परमिशन दोगे तो यू कैन ज्वाइन इट ऑटो तो डेबिट का इसके अंदर प्रोविजन होता है ये स्कीम कोई पेंशन स्कीम नहीं है ये एक इंश्योरेंस स्कीम है ये एनुअल स्कीम है बेसिकली ठीक है इसमें आपको हर साल अपनी इंश्योरेंस की प्रीमियम दोगे तो आपको इंश्योरेंस का कवर मिलेगा ओके तो बेसिकली इसमें इंश्योरेंस कवर कितने का मिल रहा है ये याद रखिएगा दो लाख रुपए का इसमें इंश्योरेंस कवर मिलता है एक एक साल के लिए आपने प्रीमियम भरा तो आप एक साल के लिए इंश्योर्ड हो तो इसका जो पीरियड होता है वो होता है फर्स्ट जून टू थर्टी फर्स्ट मे तो जो इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए जो एक साल काउंट होता है ना आपके इंश्योरेंस का वो एक जून से इकतीस मई तक का होता है और फिर आप इसको रिन्यू कर सकते हो या नहीं करो तो भी आपकी वो मर्जी है ठीक है अब इसके अंदर दो लाख रुपए तक का आपको रिस्क कवरेज मिलता है अगर आपकी डेथ हो जाती है जो इंश्योर्ड है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो दो लाख रुपए तक का उसमें आपको कवर मिलेगा किसी भी रीजन से अगर डेथ होती है और आपने अगर इस स्कीम के अंदर इंश्योरेंस लिया हुआ है तो डेफिनेटली यू विल बी योर आपको तो कैसे मिलेगा या जिस आप मैं बार बार आप यूज कर रहा हूं तो इसमें बुरा मत लगाना मतलब जो इंश्योर्ड है उसकी डेथ हो गई उसको तो क्या मिलेगा उसके जो भी फैमिली मेंबर्स या जो भी उसके नॉमिनीज है उनको मिलेगा ठीक है प्रीमियम इसके अंदर कितना है चार सौ छत्तीस रुपये फोर थर्टी सिक्स रुपीज प्रीमियम आपको भरना है हर साल इंश्योरेंस के अंदर आपको एक बात पता होगी कि ये पैसा आपको कभी भी वापस नहीं मिलता है ठीक है और आप चाहोगे भी नहीं कभी ये पैसा आपको वापस मिले अल्टीमेटली है ना ये तो एक साल में अगर आपकी डेथ हो गई जिस साल आपने लिया तो आपके नॉमिनी को दो लाख रुपए मिल जाएंगे नहीं तो ये पैसा खत्म है ये पेंशन स्कीम नहीं है कि आपको साठ के बाद इसमें कोई बेनिफिट मिलेगा ठीक है जी और ये जो स्कीम है ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफर करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे बाकी के इंश्योर को भी सरकार ने बोला है कि अगर आप चाहो तो आप सिमिलर टर्म्स के ऊपर सिमिलर प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर सकते हो उसके लिए आप नेसेसरी अप्रूवल्स लो और आप लॉन्च कर सकते हो लेकिन गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो ये स्पेसिफिकली पी एम स्कीम है इसको कौन हैंडल करता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हैंडल करता है इस स्कीम के अंदर बहुत ज्यादा इसके अलावा हमें जाने की जरूरत है नहीं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो पेपर में पूछे जा सकते हैं वो मैंने कर लिए आई थिंक पांच मिनट भी नहीं हुए होंगे हमारे इस लेक्चर को बट आइडिया यही है कि ये सारी सोशल वेलफेयर प्रोटेक्शन स्कीम्स को हम इसी तरीके से पॉइंट फॉर्म में कर लेट चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय